तो दोस्तों अभी के टाइम पर मार्केट में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो किसी फ़ोन में आपको कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, तो किसी फ़ोन में आपको परफॉर्मेंस, किसी फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और वो फ़ोन होते हैं 4G। इन सभी फ़ोन में से दोस्तों कुछ ऐसे फ़ोन भी होते हैं जिसे हम ऑलराउंडर बोलते हैं, उनमें आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद हम इस वीडियो में आपकी लाए हैं सबसे बेस्ट और ऑलराउंडर फ़ोन, जिन्हें आप दोस्तों परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये सारे फ़ोन जो है वो 5G को सपोर्ट करते हैं, और स्मार्टफोन जो मैं आपको बताऊंगा वो एकदम लेटेस्ट होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से लेटेस्ट स्मार्टफोन हमने रखे हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर, नंबर 5 पर रखते हैं नोकिया G42 5G स्मार्टफोन। दोस्तों इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट प्लास्टिक बैग के साथ आता है, और डिज़ाइन काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई कलर वेरिएंट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। दोस्तों नोकिया का स्मार्टफोन है तो ड्यूरेबल देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो कि IPS LCD पैनल के साथ आता है। 90Hz का रिफ्रेश आपको सपोर्ट मिलता है इस फ़ोन में, और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। एक कमी है दोस्तों, अगर यहाँ पर दोस्तों फुल HD होती तो अच्छी बात होती, बाकी आपको डिस्प्ले की रिफ्रेश अच्छा मिल रहा है। बाकी कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। 50MP का मेन कैमरा है, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, और फ्रंट कैमरा आपको 8MP का मिलता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर जो कैमरे की क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, यानी दिन में जो है फ़ोटो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन लो लाइट में दोस्तों कैमरा जो है वो स्ट्रगल करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 480+ का प्रोसेसर, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। 8mm पर बेस्ड है। फ़ोन का अंतुतु स्कोर 3,90,000 के आसपास आता है। फ़ोन दोस्तों 5G वर्जन रैम को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो गेमिंग है और डेली यूजेस है वो अच्छे से कर सकते हो। इसकी बैटरी की बात करें तो फ़ोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, और 20W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बाकी आपको दोस्तों प्राइस के हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसकी जो कीमत है 6GB 128GB की 12,000 रुपये, इसमें डिस्काउंट चलता रहता है 1,000 से 1,500 रुपये का, तो आप वो चेक करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट के साथ ये फ़ोन मिल जाएगा। नंबर 4 पर रखते हैं पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन। अगर आपको तगड़ा प्रोसेसर चाहिए जिसमें आप गेमिंग कर सकें, वीडियो एडिटिंग कर सकें, तो ये स्मार्टफोन ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, तो काफ़ी कमाल के डिज़ाइन के साथ आता है। बैक बॉडी जो है वो ग्लास बैक के साथ आती है, गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिलता है, और फ़ोन जो है काफ़ी प्रीमियम फील देता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जो कि IPS LCD पैनल के साथ आता है। 90Hz को सपोर्ट करता है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रंट में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप वीडियो स्ट्रीम करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, गेमिंग भी करोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी डिस्प्ले की, इंडोर आउटडोर में लाइटिंग भी अच्छी मिलेगी। बात करते हैं कैमरास की, तो इस फ़ोन में आपको दोस्तों डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। 50MP का मेन कैमरा है, 2MP का डेप्थ सेंसर है, और फ्रंट कैमरा आपको 8MP का मिलता है। तो दोस्तों इसका जो कैमरा है वो ठीक ठाक है, मतलब ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा ख़राब बोल सकते हैं, बैलेंस टाइप का कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो ये फ़ोन जो है वो गेमिंग के पर्पज़ से बनाया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 4Gen का प्रोसेसर, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। 4MM पर बेस्ड है, काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। इसका अंतुतु स्कोर 4,30,000 के आसपास आता है। इसमें आपको 6GB रैम वर्चुअली बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है। लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी फ़ोन में आप ज़्यादातर गेम करोगे तो हीट नहीं होगा। तो ये गेमिंग के पर्पज़ से बनाया गया है, अगर आप गेमिंग करते हो तो ये स्मार्टफोन ले सकते हो। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 4GB 64GB 11,000 में मिलता है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है 1,000 से लेके 500 तक, वो आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फोन की ओर मूव करते हैं हम। नंबर 3 पर रखते हैं इन्फिनिक्स होट 13 5G। ये फ़ोन दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है, 5G को सपोर्ट करता है। इसमें बैटरी जो है वो
कमाल की देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं डिज़ाइन की, तो इसकी जो बैक बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आती है। दिखने में फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगता है, लेकिन ये थोड़ा फ़ोन जो है भारी है, क्योंकि इसमें आपको बैटरी बड़ी देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले की ओर। 6.7 इंच का फुल एच डी प्लस IPS LCD पैनल मिल जाता है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश के साथ आता है। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और दूसरा कैमरा AI कैमरा मिलता है। तो AI जो है वो कोई कैमरा ही नहीं है, बस सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इस फ़ोन से आप डिसेंट से फोटो वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पे। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिलता है Dimensity 6020 का प्रोसेसर, जो कि 5G को सपोर्ट करता है, जो कि 7mm पर बेस्ड है। इसमें आपको दोस्तों 8GB रैम जो है वर्चुअली बढ़ा सकते हो और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो ये है गेमिंग के पर्पज़ से बनाया गया है, गेमिंग अच्छे से कर सकते हो आप। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है परफॉर्मेंस में ओवरऑल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं प्राइजिंग की, तो 4GB 128GB का जो प्राइस है वो 11,500 है, 8GB 128GB का जो प्राइस है वो 12,500 है। इसमें देखा जाए तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है 1000 से 500 रुपये तक का, तो वो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद ही लीजिएगा। नंबर 2 पर रखते हैं Vivo T2X 5G स्मार्टफोन। ये फ़ोन काफ़ी अच्छे कैमरे सेटअप के साथ आता है। इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन थोड़ा हल्का और पतला है। डिस्प्ले की ओर बढ़े तो 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाए, जो कि फुल एच डी है, IPS LCD पैनल के साथ आता है। पांडा ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, 90Hz का डिस्प्ले मिल जाता है आपको यहाँ पर। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, डुअल रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, तो इससे आप फोटो वीडियो अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। परफॉर्मेंस की ओर बढ़ें तो इस फोन में आपको मिलता है Dimensity 6020 का प्रोसेसर, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। एक नया प्रोसेसर है, इसमें आप जो गेमिंग है अच्छे से कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल की। इसमें बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 18W का चार्जिंग मिलता है, तो इतना कुछ आपको मिलता है। बाकी जो इसका प्राइस है वो 12 से 13 हज़ार रुपये में आता है। इसे दोस्तों मैं आप बता दूं आपको, जब इस पर डिस्काउंट मिले तभी इसे परचेस कीजिएगा। बाकी आप नंबर 1 स्मार्टफोन को भी देख सकते हैं। नंबर 1 पर रखते हैं Realme Narzo 60X 5G स्मार्टफोन। दोस्तों ये फ़ोन नया है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये फ़ोन दोस्तों गेमिंग के लिए अच्छा है, चार्जिंग भी आपको इसमें फास्ट मिल जाता है और बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है, और डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का है। ये फ़ोन दोस्तों बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, तो ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है, डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। बात करते हैं मेन फीचर की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33W का आपको सुपर वुक चार्जिंग मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको Dimensity 6100 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। 6GB तो आपको मिलती मिलती है, 6GB रैम आप वर्चुअली बढ़ा सकते हो, 128GB का स्टोरेज मिलता है। कैमरास की ओर बढ़े तो 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है, तो नेक्स्ट लेवल का कैमरा मिल जाता है आपको यहाँ पर। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का आपको अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिलता है, जो कि दोस्तों आपको डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। अगर दोस्तों आपको गेमिंग के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। इसका प्राइस है 11,500 रुपये और डिस्काउंट करते करते आपको ये और भी कम में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगने पर लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।